press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान को मिल गया नया प्रधानमंत्री। जी हाँ, शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के नए वजीर आजम, और आते ही उन्होंने अपनी आवाम को कश्मीर का चूर्ण बेचना शुरू कर दिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काजमी जी का बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। जय हिंद जय भारत। जाहिर है हिंदुस्तान तो जा नहीं सकते, और इनको सिर्फ एतराज करना है जय श्री राम कहने के ऊपर, क्योंकि इनका ख्याल ये कि हमने एक अलग कंट्री बना ली है और उसके बाद हमें बिल्कुल से अलग हो जाना चाहिए। ना हमें कोई फेस्टिवल मनाना चाहिए किसी और रिलीजन का, ना हमें कोई ग्रीटिंग्स करनी चाहिए किसी और रिलीजन के जैसी। तो ये उसी माइंड सेट के हैं, शायद इसी वजह से ये इस किस्म के एतराज कर रहे हैं। वैसे आपके ख्याल से इस ऑब्जेक्शन से शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। और ना ही उन लोगों को जो अंबानी फैमिली के लोग खड़े थे, या कोई किसी भी हिंदुस्तानी, इवन पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, तो इंडियंस को क्या खाक फर्क पड़ेगा इनकी बात से? अच्छा, ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं? पता नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ। अच्छा, मतलब मुझे लगा होंगे लेटेस्ट मैंने इनको इंटरव्यू देखा था एक उनके साथ, जो आपके हाई कमिश्नर रह चुके डॉक्टर बासित के साथ, तो ये चेयर पे बैठे थे मेरा ख्याल है। उन्होंने जो एक स्पीच थी उसमें, मैंने तो स्पीच सुनी नहीं, या बोलिए बदकिस्मत हो कि नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे जो मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने कश्मीर का अपनी स्पीच में जिक्र किया है और इंडिया और मोदी का नहीं किया। ये इनके बड़े भाई, फिर बड़ा छोटा भाई क्या होता है पॉलिटिक्स में कहते हैं बाप बूढ़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इनके बड़े भाई जो बोल रहे थे अब इंडिया से बेटर रिलेशंस होंगे, स्टार्ट तो अच्छा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहीं से कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस कुछ नहीं अब तक आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भी इतने एक्सपर्ट हैं और उनकी सोशल मीडिया टीम उनसे 10 गुना एक्सपर्ट है, अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं दिया गया है। कब उनका इलेक्शन, मतलब आज नहीं, हम तो तब से जान रहे हैं ना, करीब एक हफ्ते से जान रहे हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी समय भी कंग्रेचुलेट किया जा सकता था, आज ओथ लेते ही कंग्रेचुलेट किया जा सकता था, नहीं किया गया। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पे ये दिखा रहे हैं कि अपने घर में रहो, हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट, मैंने 2-3 आर्टिकल भी पढ़े कि क्या शहबाज कैन बी अ शरीफ फॉर इंडिया, ये पाकिस्तानी वेबसाइट पे पढ़ा है मैंने। पाकिस्तानी लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कंग्रेचुलेट करेंगे, फिर से गले मिलेंगे, माँ के लिए साड़ी लेके जाएंगे, कुछ ऐसा चक्कर? नहीं, देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में बहुत डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि जैसे लोग नवाज शरीफ साहब को लिया करते थे वैसे ही शहबाज शरीफ साहब को लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक कोई मुबारकबाद या इस तरह की बात की जा रही है, तो अभी तक तो सिर्फ चाइना ने मेरा ख्याल है कहा है, या फिर एक सऊदी अरब की तरफ से सुना है, कि बाकी तो अभी किसी कंट्री ने, ना अमेरिका ने, ना किसी ने कुछ नहीं कहा, तो भारत ने भी नहीं कहा। और मगर ये जरूर है कि अगर नवाज शरीफ साहब होते और नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर आए होते, तो यकीनन पीएम मोदी ने जो है वो जरूर जो है उनको मुबारकबाद दे दी होती, और बहुत पहले दे दी होती, क्योंकि उनकी बारह लेख उनसे है, उनके साथ दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है। और हम सब जो यहाँ पे जर्नलिस्ट, हम लोग जो ये बात किया करते थे और सोचते थे कि अगर नवाज शरीफ साहब आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो यकीनन भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और बातचीत हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी के साथ उनके टर्म्स हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो वैसे तो हर प्राइम मिनिस्टर ही हमारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ होता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ज्यादा इमरान खान की तरह जो है वो पपिट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो उनकी बात की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द जो है वो पीएम मोदी जो है वो उनको कोई मुबारकबादी भेजने लगे। हाँ, कुछ दिनों के बाद हो सकता है, पॉसिबल है कि भारत की तरफ से भी कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि जाहिर है ये कर्टिसी होती है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता कि आपको वो प्राइम मिनिस्टर पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन एक मैसेज दिया जाता है। जब आपके यहाँ इलेक्शंस होंगे और नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद जब पीएम मोदी आएंगे, जो कहा जा रहा है कि उन्हीं के चांसेस हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली मैसेज जाएगा, उसका उससे कोई
वो नहीं होगा कि हाँ कोई दुश्मनी है या कोई पसंदीदगी है नहीं है, कोई लाइक कर रहा है नहीं लाइक कर, वो सब नहीं होगा। एक कर्टिसी होती है जो कंट्रीज को करनी होती है, और मेरे ख्याल वो होनी चाहिए। चली जाएगी। कर्टसी का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे पहले करें, तो उसी हाँ आप तरीके से आखिर में भी होगा, कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं। लास्ट पे भी कर सकते हैं। तो वो लास्ट 1 महीने बाद आता है या 2 महीने बाद आता है, वो देखना जरूरी है। हाँ, आगे बात करें तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी अजीब है। एक आदमी जो कि जोकरों वाली बात करता है पापुआ के लोगों के बारे में, उसका नाम है राशिद, यानी कि इंटेलिजेंट, यानी कि मतलब समझदारी वाली बात करने वाला, और जो आदमी बदमाशी कर रहा है उसका नाम है शरीफ। तो अगर इस एंगल को देखा जाए तो आपको आगे आने वाले टाइम में, आज ही आप कश्मीर बोल रहे हैं, इंडिया में इलेक्शन खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाह के भी बात नहीं कर सकते ऐसा, हालांकि वो चाहते ही नहीं है बात करें, अगर चाहते होते तो 3-5 साल में 10 साल में खोली होती, नहीं चाह के भी बात नहीं कर सकते। एक चीज कि ऐसे में क्या दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को करते रहेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी ज्यादा दिन तो टिकती नहीं दिख रही है मुझे। देखिए कितने दिन टिकती है ये तो खैर आगे पता लगेगा, क्योंकि वैसे तो सभी ये कह रहे हैं कि ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट आके आते ही शहबाज शरीफ साहब ने दी इंडिया के बारे में या कश्मीर को लेकर उन्होंने जो बात की, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो पहला स्टेटमेंट तो यही दे देता है, वो ये भी नहीं बताता कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, उसने वो ये भी नहीं कहता कि वो अफगानिस्तान या ईरान या चाइना के साथ कैसे रहेगा, वो भारत का नाम भी नहीं लेता, वो सीधे सीधे कश्मीर पे ही जंप लगा देता है। तो शहबाज शरीफ ने भी कुछ उसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया, इससे एक बात तो साफ जाहिर है, और वो ये कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको जो तकरीर लिख के दी जाएगी, जो स्पीच लिख के दी जाएगी, वो एक ही जगह से लिख कर आई जाती है और एक ही तरह की बात करते हैं। क्योंकि जब आते हैं तब कश्मीर 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 करते हैं, और जब चले जाते हैं और सीट से हट जाते हैं तो अचानक से भारत अच्छा लगने लग जाता है, अचानक से भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें होती हैं। आप इमरान खान का रिकॉर्ड उठा कर देख लें, जो रिसेंटली इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद जो अपने पॉलिटिकल रैलीज की थी और अपने जो जलसे वलसे किए थे उसमें उन्होंने पीएम मोदी की बड़ी तारीफ की, उन्होंने भारत की बड़ी तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी जो है वो करप्ट नहीं है, उनका बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने कोई पैसा नहीं बनाया, और इस किस्म की चीजें इमरान खान ने की। लेकिन ये वही इमरान खान है, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त यही इमरान खान नेगेटिव बातें किया करते थे भारत के बारे में। तो बात साफ है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप पे थे उस वक्त जाहिर है कि जो लोग लाए थे ये उनके हिसाब से बोल रहे थे, और जब वहां से हटाए गए तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उनको पता लगा कि नहीं इंडिया में कुछ बेहतर काम हो रहा है, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अच्छा काम कर रहे, तो उन्होंने वो बात कर दी। शहबाज शरीफ भी आके आते ही के साथ ही उन्होंने ना तो पीएम मोदी का नाम लिया ना इंडिया का नाम लिया, वो कश्मीर के ऊपर अपना भाषण झाड़ के चले गए। अब जब शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, हो सकता है 2 साल में चले जाए, हो सकता है 5 साल निकाल भी जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन चले जब भी जाएंगे उसके बाद शहबाज शरीफ जब स्टेटमेंट देंगे तब देखिएगा कि वो कैसी तारीफें करते हैं। और नवाज शरीफ साहब के साथ काफी 70% यही लग रहा था कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे, और उससे पहले भी आप जानते हैं कि जब कारगिल वॉर हुई थी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट था कि हमसे गलती हुई है, हमने हमें तो बताया भी नहीं गया था, हम तो जनरल परवेज मुशर्रफ को रोक रहे थे, और उन्होंने कारगिल वॉर को ब्लंडर भी कहा। तो खैर सभी कहते हैं, सार पाकिस्तानी जो है वो कारगिल वॉर को एक ब्लंडर के तौर पे याद करता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सॉरी उस वक्त भी बोला था कि ये तो ब्लंडर है और ये है वो है करके बात की थी। मगर अब हुआ ये कि जाहिर है कि उनको नहीं लाया गया, उसकी रीजन यही लग रही है कि उनका क्योंकि काफी ज्यादा झुकाव जो है उनका इंडिया की तरफ, शायद इस वजह से नहीं आने दिया उन्हें। अच्छा, एक एक जिसे बोलूं पसपेश या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का गेम ये भी कि इमरान, जिसका नाम इमरान, जिस नाम का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, वो पाकिस्तान को बर्बाद करके गया। वो आपने इमरान खान की बात की तो इमरान खान तो अब आते नहीं दिख रहे, हमें शहबाज शरीफ ही दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में नहीं दिखता दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस। प्राइम मिनिस्टर इज नाउ बिजी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब बिजी, पहली लिस्ट निकाली जा चुकी है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब बिजी है कैंपेन में। और ये जो
जो स्पेक्युलेशन चल रही है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्हें कंग्रेचुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, या करना होता तो कर लिया होता अब तक, तो स्पेक्युलेशन से दूर। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था। और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुका है और इंडिया में हो रहा है, बहुत सारी खबरें और आएंगी एक दो हफ्ते में, हम इन खबरों पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपसे उससे पहले जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी का ये जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आरजू काजमी जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भी मजे लिए। एक तरफ पाकिस्तान का जो लाल टोपी है जायद हामिद, उसको इस बात से तकलीफ है कि कैसे शाहरुख खान ने अनंत अंबानी की शादी में जय श्री राम बोल दिया, और यहाँ तो खुद आरजू काजमी ने भी जाते जाते जय श्री राम बोल दिया। तो मुझे लगता है लाल टोपी जैसे जिहादियों को काफी ज्यादा तकलीफ होगी। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जनता को फिर बेवकूफ बनाया गया और शहबाज शरीफ दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वापस प्रधानमंत्री बन गए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।